अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। वेलकम करते हैं आज के नए व्लॉग में और आगाज करेंगे दुरूद पाक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह मुबारक अला मुहम्मद व आला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। असल में व्लॉग आज बनाने का इतना मूड था ही नहीं, क्योंकि जानवर सारे डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, ठीक है, परिंदे भी। तो आपको पता है फिर दिल ही नहीं करता व्लॉग बनाने का। अभी मैं जा रहा था बकरे के लिए जो है ना दवाई लेने, पहले तो खुद ही जो थी जो है ना किया ट्रीटमेंट, थोड़ा सेट हुआ है, बिल्कुल डाउन नहीं है, लेकिन ये है कि उस तरह मतलब प्रॉपर सेट नहीं हो रहा। अभी मेरा दिल है जाके जो है ना किसी वेटनरी डॉक्टर से कोई जो है ना मशवरा करूँ, कोई जो है ना मजीद अगर कोई दवाई वगैरह देता है तो वो उसको इस्तेमाल करवाते हैं। वो जो है ना रह गया, डाउन होता जा रहा है दिन ब दिन। मैं कहता हूँ कमज़ोर हो गया दादा, तो फिर जो है ना आपको पता है रिकवर करना मुश्किल है। बाकी होगा वही जो अल्लाह की मर्जी होगी, हम कोशिश कर सकते हैं। मानी साहब जुड़िए, चलो उठो, अभी हम जाने लगे हैं जी। वापस आके परिंदों शरिंदों की आपको अपडेट देंगे। फिलहाल अरे बकरा देखें, ये ज़रा सा खा रहा है, मतलब बिल्कुल रह गया है। जो हो सके अपनी तरफ से ट्रीटमेंट की है, मगर ये चेक करें, बिल्कुल सुस्त हो गया। देखें जब आया था कितना मतलब खुला जानवर था, तगड़ा था, अभी ये हालत उसकी रह गई है। दुआ करनी आप सबने कि अल्लाह ताला इसको सेहत दें। सबसे पहला काम थर्मामीटर लिया जी, यहाँ से जानवरों के बुखार वगैरह चेक करने के लिए। जुनेद भाई काफ़ी टाइम से मेरे पीछे लगे हुए थे कि आप थर्मामीटर अपने पास रखो, लेकिन मैंने कभी तवज्जो नहीं दी। जब सर पे पड़ती है तब बंदे को पता चलता है। तो मैंने कहा पहला काम ये करते हैं, तो घर जाके चेक कर लेंगे बुखार वगैरह भी। बाकी अभी चलते हैं बकरों के डॉक्टर की तरफ, ये इंसानी डॉक्टर का काम था। दवाई वगैरह यहाँ से ले लिया, पहले थर्मामीटर लिया था मेडिकल स्टोर से, अभी वेटनरी स्टोर से दवाई वगैरह ली है। अभी जाके देखते हैं, अल्लाह करे कि जो है ना जानवर सेट हो जाए। जो इंजेक्शन दिए तकरीबन मुझे पता ही था, लेकिन मेरे पास मौजूद नहीं थे। घर जाके मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी दवाई ली है। अब बस एक कटा बद यानी दुआ कटा खुल गया, टायर पंचर हो गया जी। अभी यहाँ से निकले ही हैं, ये देखें आवाश आवा निकल गई है। एक जो है ना मसला हल नहीं होता, पीछे दूसरा जो है ना शुरू हो जाता है। इधर मोटरसाइकिल तकरीबन पंचर लग ही चुका है, और अभी निकलते हैं एक जगह, इधर आगे जानवर देखने जाना है। बंदे से रब्ता हुआ, कहता है मैं कॉल बैक करता हूँ। अभी हम जा रहे हैं दुम्बे देखने, ये चेक करें खानपुर जो स्पिल वे है ना, बिल्कुल उसके पास जाएंगे। जगह बड़ी प्यारी है, ठंडी ठंडी रोज़ा गुजारने के लिए, साथ इधर पानी भी है। दिल है कि नहा लें, देखेंगे टाइम हुआ तब, क्योंकि मानी ने जाके भैंस की चवाई भी करनी है। लेट हो गए तो भैंस फिर आज इसको लाते मारेगी। बिल्कुल स्पिल वे के सामने आ गए हैं जी। अभी यहाँ से ढूंढते हैं बकर वालों ने डेरे कहाँ लगाए हुए हैं। मानी वो सामने खोते ना बकरियाँ नहीं है ना कोई जी। ये देखें बिल्कुल स्पिल वे के पास आ गए हैं, हमारे गांव शाम वो उस साइड पे रह गए। ये करें, ये हमारा गांव नहीं, हमारा गांव नीचे है, ये ऊपर है राजधानी टॉक गखना तरनावा चौक, उस साइड पे रह गया। कितने हाँ छाँव चेक करें जी दरख्त की कर गई। ये स्पिल वे है, लेकिन अभी तो पानी शानी इतना खास है कोई नहीं। पहले एक मरतबा स्पिल वे खुले थे जब मैं आपको दिखा के गया था। इधर लोग नहाने जा रहे हैं, इधर डूब के मरते भी बहुत हैं, लेकिन आवाम बाज फिर भी नहीं आती। इस साइड से ऊपर से भी मैंने आपको एक मरतबा नज़ारे दिखाए थे, ये सारा एरिया मैंने घुमा हुआ है। ये सामने एक बकरवाल नज़र आया है, ये पहाड़ी के साथ साथ बकरियां चराई कर रही हैं। पास जाके पता करते हैं, शायद ये वही वाला हो जिसके लिए हम आए हैं। पहले 10 रोज़े बिल्कुल ठंडे याक गुजरे हैं, उसके बाद 10 नॉर्मल। अभी जो एंड के 10 है मुझे लगता है कि ये फुल पारा आई होगा, लेकिन ये भी चंद दिनों के मेहमान थे, आए और चले गए, और बातें हमारी वहीं की वहीं रहेगी। इस साइड पे डेरे नज़र आ रहे हैं, ये देखें टेंट वगैरह लगे हुए, झुग्गियाँ चुगियाँ बनी हुई हैं। कुत्ते भी इनके पास होते हैं, लिहाजा किसी को बुलाते हैं पहले आवाज़ फवाज दे के। ये चेक करें हम कितना ऊपर आ गए चढ़ के, मोटरसाइकिल ये खड़ा किया इधर, भेड़ों के बच्चे ये चराई कर रहे हैं। मानिए काबर के नहा के झुलसा, कपड़ा समेत ठंड लग सी। इधर ना आगे जाएंगे, पानी बड़ा प्यारा है। तो मैं कल वेना मंडी, फिर मैं उसको जाके नहीं ना, मैं सबसे कह रहा हूं। हां ये नन्ही का बच्चा मिने ने, ये दुआ इला बड़ा लाटा ला काला नरमा दी, ये नहीं बेचनी हो, कितनी कीमत बारी? अल्लाह अकबर, कर ले लेना। ये क्या करे?
60 लगे हैं वहां फिर जो सने हमारे ना आ रहे हुए उस लेने के पैसे निकले हैं उसका उठाना है 2000 देना बाकी कोई और पर उधर मेरा 27000 का दुकान देना है तो मैं तो 32000 रुपए का खुद आंसू चला सुन के तो मेरा दिमाग घूम गया जी। छोटे छोटे बच्चों का कहते 60 लगा है नहीं दिया 65000 मांग रहे हैं, मुंह मांगी मौत मिल रही है नहीं दे रहे। तो मेरे मेरी समझ से बाहर थे, मैं वापस आ गया हूँ। मुझे एक छोटा दुम्बा पसंद आया, कहते हैं एक महीने का ये नहीं देना, बड़ा होगा तो देंगे, चलें जब बड़ा हुआ दोबारा आ जाएंगे। अभी यहाँ नहाते हैं लेकिन ये है कि धूप लगी है, ये ना जिसम गर्म है बीमारी ना हो जाए। पानी दे के सुकून वैसे ही आ रहा है, छलांग मारेंगे फिर तो और सुकून आएगा। इतना गहरा पानी कोई नहीं, लेकिन चलें जिसम को ठंडा कर लेते हैं। ओए पानी को देख के जोश तो आया, पानी के अंदर गया तो सर्दी लगी है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है। अब पानी का नंबर है 18 बजे, पानी सही ठंडा ही पानी उस जगह पे गहरा भी है, ठंडा भी बहुत है। यूं महसूस हो रहा है बर्फ पड़ी हुई है पानी के अंदर। भाई लेके वापस आए हैं, अभी थोड़ी देर बाद जो है ना बकरे को लगाएंगे इंजेक्शन वगैरह और जो दवाई है वो देंगे। अभी चराई के लिए खोला है, चेक करता हूँ चराई कर रहा है कि नहीं। पानी थकिया तो नहीं है, ठंडे पानी तो नहा लिया, अभी एक याद करते हैं, मज़ा आया। मैं तो ठहर गया सर्दी ने, पता नहीं बर्फा छाल कट मारी। हाँ तू मछली है ना, हाँ लोग असा खा रहे होनी। चेक करें फुल रेडी है अभी दुड़ने पड़ने के लिए। ये डोड़े छोटे पड़ गए हैं लाल लाल कलर के, थोड़े दिनों बाद पड़ जाने इनके साथ दुड़ने पावे। इन्हें मंजिया ना आज बढ़ावा दखो के आ मोटे मोटे आगे ना। बचपन में हम इनके साथ खेला करते थे, आज आपको भी दिखाते हैं कैसे हम इनके साथ खेलते थे। बकरा चराई चराई कोई नहीं कर रहा, बदमाश बना है, हैं चुगना रहे चंगा है ना चुगे, कमजोरी हो गई इस बेचारे को। हाँ चेक करें आज थोड़े थोड़े बादल भी हैं, खरगोश मेरे ये फिसल रहे हैं। खाने की कोशिश तो कर रहे, अल्लाह करे खाना शुरू हो जाए। दवाई तो मैं आज लेके आऊँ, सुबह भी मैंने दवाई दी थी। अरे गवाम कहनी है फर्क तुमने करना, सारा काम करना, माने तू काम नहीं करना है। नहीं सही गल है, वाम कहनी है नहीं, फर्क सारा काम करना तू नहीं करना है। उन्हें दस ना मैं थोड़ा बिजी होना, आगे पीछे मंडियां शंडियां माल बटला करना पैना हो गई। चल मंजियां बढ़ा देना, अभी इनके बनाएंगे ये मंजियां चरपाइयां बनाएंगे भैया पन्नो सही टैडियां बढ़ाए। अब बचपन की याद आज ताज़ा होने लगी है, आपको चरपाइयां बना के दिखाएंगे। ये जिस इलाके में होते हैं किस किस ने ये काम किए हैं बचपन में, कमेंट में बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट लाजमी किया करेंगे। ये व्यूज़ मेरे 4000-5000 और कमेंट 40-50-60 सारे कमेंट किया करें, अपनी अपनी कीमती राय दिया करें, ताकि नेक्स्ट व्लॉग में बंदे को एक आइडिया हो जाता है कि आप व्लॉग में क्या क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए। भाई डिंगी ने लाई प्राग मंजी पाजी वैसी अभी तैयार होती है तो फिर आपको दिखाते हैं चरपाई। बाकी जी मैं तो आगे पीछे आपको पता है, जैसे आज निकल गया था ऐसे ही आगे पीछे घूमता रहता हूँ, पीछे सारा माल मवेशी फर्क के वाले ठीक है। जब मैं घर था तब मैंने भी बड़ा शौक किया है, मैंने घर में सारा ये जितना भी शौक अब है मेरा ही जमा हुआ पड़ा है। तो जब वेला था मैं तब शौक करता रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह, जैसे ही मौका मिलेगा सही से तो फिर जो है ना नूर आ गई ने रोजे ना फर्क मानी क्या ने, मैं भी चटा हो गया इस समय नवाली ने ठंडे पानी जी पर कहता है मैं भी चटा हो गया। रोजाना नूर ने करना तुसा सराने तेरे रखी सुन फेरन लव लिया गोल्डन पार्क राती ला के सहने उस एक चरपाई मारी तैयार हो गई है। ये चेक करें अभी इसके ऊपर धागा शागा मार के ना चरपाई फुल तैयार हो जाएगी। ये बचपन में हम खेला करते थे इस तरह बना के ना। ये चेक करें एक हमारी चरपाई तैयार हो गई है मोटे बाबों वाली।
पीड़ी बना इसे धागे आने सबूना इसके ऊपर धागा मार के ना सही चरपाई फुल तैयार हो जाती है। ये देखिए ये है बड़े होके ना ये बन जाते दड़ूने मतलब जंगली अनार बन जाते हैं काइनल बुनना था चरपाई बनाने के लिए धागे की जरूरत पड़ गई धागा कहाँ से निकल रहे नाड़ा तू ही अपने नाड़े तो काटो इतना दाग दी वो नहीं हुआ इतना नहीं चाहिए वहाँ बड़ा धागा ये VIP किस्म का पलंग बन गया नहीं ये कुर्सी बनी है चेयर बनी तो जेस अभी इसको हाँ मानी ना जेस तैयार हो रहे हैं चरपाई को मैं बना रहा था लेकिन ये धागे जो है ना नहीं मिले तो घास लगा रहा था सही बन नहीं रही है ये फर्नीचर तैयार हो रहा है। ओ बकरा वाड़ गई कणका चे क्यों लोग खाना माल खाना वे जो है ना चरपाई तैयार हो गई है इसके ऊपर सरांदू रख दें फूलों वाला मान्य जेस तैयार हो रहे है ये चरपाई तैयार हो गई है ये चेयर अभी इसको बुनने का मसला है ये बेड ये चरपाई है चरपाई तो पलंग से सट जुड़े है ये किनास चेक करें माशाल्लाह से आज की हमारी मेहनत फुला ली चादर पाके मानी बह के छावा ते सह गए आए खरगोशो ओ खरगोशो खरगोशो सोना 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 ओ मेरा सोना सोना ओ मेरा सोना तेरे साथ मेरी कल तस्वीर बनाई ना सोने ओ सोने हैं माँ को बुला रहा है सोना क्या जो 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 चेक करें माशाल्लाह से सीन फूल चेक करें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये देखें सूरज भी हो चुका है गुरूब अफ्तारी का टाइम होने वाला है और सारे चराई करके जानवर आ गए हैं और किंग ये हाल है तेरा चेक करें किंग का ये बड़ा है जहरीला रोज़ाना लड़ाई करने जाता है मोहल्ले में रोज़ाना मोहल्ले में जाता है लड़ाइयाँ मारने या ये खुद दूसरी आंख से भी गाना होगा या अपना बदला उससे लेगा उसको भी गाना करेगा रोजे ने अयाशियाँ मारो खखनियाँ खाओ क्यों मंडी जोर मार रहे हैं शाकार मियाँ शाकार मियाँ हमारे गुम हो चुके हैं शिराजी मियाँ कल जाऊंगा तो इंशाल्लाह एक दो दिन मैं फीमेल लेके आऊंगा अंडे इनके नहीं तोड़ने तू उत्ते बैठे हैं बिच बहन अंडे पाते सुन शाकार का बच्चा शाकार की तरह अरे बदमाश तुमने मुझे टक्कर क्यों मारी आज माँ टक्कर मारी इस बार बड़ी जोर नहीं टक्कर मारी है राती बार बना कर अंदर घबराहट है सावनी इंजेक्शन जो लेके आया था अभी बकरे को लगाने लगा हूँ क्योंकि दिन को छोड़ा था थोड़ी चराई वगैरह की अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है दिन को मैंने जो ट्रीटमेंट इसकी की थी ना मेरे पास दवाई पड़ी थी वो मैंने इसको दी है और उसके बाद इसको जो है ना दो पैरासीटामोल की गोलियाँ कवे में डाल के दी हैं अभी बेहतर है लेकिन इंजेक्शन एहतियातन लगा दूँ ताकि ज़्यादा जो है ना ख़राब ना हो अभी देखें ये खड़ा है माशाल्लाह से कमज़ोर तो काफ़ी हो गया खाना पीना शुरू कर दिया अल्लाह करेगा तगड़ा हो जाएगा आम जो है ना जानवरों के लिए ये 10 cc वाली सिरिंज इस्तेमाल होती है अगर बच्चों को इस्तेमाल करनी हो ना इंसुलिन वाली जो होती है ना वो इस्तेमाल करें ये इंजेक्शन लगाना जी इसको जंटा गैम्बिसोन इस पर ये लिखी हुई है हिदायत ठीक है मुअस्सर इलाज कुकड़ियों को भी आप लगा सकते हैं गायों को भी मझों को भी पेड़ों को भी बकरियों को भी जंटा गैम्बिसोन इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह इसको हिलाएं बच्चों की पोत से दूर रखें लिखा हुआ है 15 किलो वजन पे 1 cc बकरा होगा तकरीबन मेरा 45 से 50 किलो तो यही बनती है इस पर 3-4 cc बनती है लेकिन मैं 3 cc इसको लगाऊंगा क्यों सही भी आना नजर यस इंजेक्शन लगा दी अभी इसको टांग पे लगाया गर्दन पे नहीं लगाया ऐसे ज्यादातर इंजेक्शन गर्दन पे इस्तेमाल होता है टांग पे भी आप लगा सकते हैं ये जो होता है ना गोश्त वाला इंजेक्शन ये आप टांग पे लगाएं जिधर भी गोश्त आपको सही नजर आए उधर लगा दें और जो स्किन वाला होता है ना वो भी स्किन उठा के ठोक दें बस मेरे पास ये पड़ी थी दिन को जो दी है मैंने इसको दवाई जिससे थोड़ा इसको फ़र्क पड़ा है एक तो कवा बना के उसमें पैरासीटामोल डाल के दी है क्योंकि पैनाडॉल मेरे पास नहीं थी और उसके अलावा ये दवाई दी थी मैंने तकरीबन 30 cc इसमें तो 50 cc लिखा हुआ है लेकिन मैंने 30 cc दी है ये देखें ये ऊपर लिखा हुआ है दवाई मैंने टीके में भर ली है इसमें पानी भी मिक्स करना है ठीक है पानी मिक्स करके फिर देंगे इस तो आज के ब्लॉग को फिर यहीं एंड करते हैं और दुआओं में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ अल्लाह ने की बान इंशाल्लाह नए वीडियो में मुलाकात होगी।